नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री ओली को भारत जाने का बहाना नहीं मिल रहा था और वो किसी भी दशा में भारत जाना चाहते थे, तो अब उनको नेपाली जनता के सामने भारत जाने का बहाना मिल गया है। दोस्तों, नेपाल में जब एक प्रकार का सियासी संकट चल रहा हो, संसद विघटन हो गई हो, उस समय उस देश के प्रधानमंत्री का विदेश जाना यहाँ एक प्रकार की मूर्खता ही कही जा सकती है। और नेपाल की जनता चाहती ही नहीं है कि प्रधानमंत्री ओली भारत की यात्रा पर जाएं। और जब नेपाल की जनता नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री ओली भारत की यात्रा पर जाएं, उस समय यदि प्रधानमंत्री ओली भारत जाते हैं तो प्रधानमंत्री ओली अपना बहुत सारा समर्थन खो देंगे। यानी प्रधानमंत्री ओली के ऊपर नेपाल की जनता भरोसा करना छोड़ देगी और ओली के ऊपर बहुत गुस्से में होगी नेपाल की जनता। जनता तो अवश्य पूछेगी कि देश में तो सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी संकट काल के दौरान प्रधानमंत्री ओली भारत क्यों जा रहे हैं? ये सवाल जनता अवश्य प्रधानमंत्री ओली से पूछेगी। और प्रधानमंत्री ओली अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय यदि वो भारत यात्रा करते हैं तो नेपाल की जनता उनके ऊपर बहुत नाराज होगी। इसलिए अब प्रधानमंत्री ओली ने भारत जाने का एक बहाना ढूंढ लिया है। आपको पता होगा, कल ईश्वर पोखरेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली भारत जाएंगे और नेपाल का जो नया नक्शा है, काला पानी लुपु लेक वाला, उस नक्शे पर भारत से बात करेंगे। यानी ईश्वर पोखरेल का साफ कहना है, नेपाल के नए नक्शे के बारे में बात करने के लिए प्रधानमंत्री ओली भारत जा रहे हैं। क्या दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि नेपाल में जब सियासी घमासान मचा हुआ है, उस समय प्रधानमंत्री ओली नए नक्शे की बात भारत से करेंगे? नहीं दोस्तों, यह 100% झूठ है। प्रधानमंत्री ओली के पास में भारत जाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिसे कि वो अपनी जनता के पास में बता पाए। इसलिए सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने अपनी जनता को एक बार फिर बेवकूफ बना दिया और अपनी जनता के सामने ये बता रहे हैं कि मैं नक्शे के बारे में बात करने भारत जा रहा हूँ। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ओली भारत भ्रमण करेंगे तो नेपाल की बहुत सारी जनता उन पे भारत का दलाल होने का आरोप लगा देगी और प्रधानमंत्री ओली की छवि नेपाल में खराब हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ओली भारत जाने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे और अब उनको बहाना मिल चुका है कि काला पानी लिपु लेक नए नक्शे के बारे में बातचीत करने मैं भारत जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री ओली केवल अपनी जनता की नजर में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नक्शे की बात करने भारत जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर वैसी कोई बात नहीं होगी। आप सीधा समझें, जैसे जब भारत और चीन का तनाव चल रहा था तो उस समय भारत में खबर फैला दी गई कि राजनाथ सिंह रूस जा रहे हैं और रूस में वो चीन के बड़े अधिकारियों से नहीं मिलेंगे। ये खबर भारत में फैला दी गई थी, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या थी कि रूस ने राजनाथ सिंह और चीन के अधिकारियों को बुलाया था और आपस में मेल मिलाप करने की बात कही थी। और रूस ने भी यही कहा था कि हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भारत और चीन का आंतरिक मामला है। और इधर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम हथियारों का सौदा करने रूस जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पर रूस ने राजनाथ सिंह को बुलाया था और चीन के बड़े अधिकारियों को बुलाया था समझौता करवाने के लिए, या ये बताने के लिए कि देखो आप लोग आपस में मत लड़ो। लेकिन भारतीय मीडिया ने कहा कि नहीं, राजनाथ सिंह रूस जा रहे हैं केवल हथियारों के सौदे के लिए। जिस प्रकार उस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा
झूठ बोला गया है, जनता को, भारतीय जनता को बेवकूफ बनाया गया है। उसी प्रकार इस समय प्रधानमंत्री ओली भी अपनी जनता को पूरी तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। वो भारत में नक्शे की बात करने नहीं बल्कि भारत को मनाने जा रहे हैं और नेपाली जनता को झूठ कह रहे हैं कि हम नक्शे की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा काम है आपको भीतरी चीजें बताना। उसमें यदि आपके प्रधानमंत्री की हमने कहीं पर बुराई कर दी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।